जनाबे चेयरमैन, आज तीन चार दिन के वक्फे के बाद दोबारा सेनेट का सेशन हुआ और इन दिनों के अंदर मुल्क तो पहले भी अंधेरों में डूबा हुआ था, मगर अब वाकई बिजली के हवाले से भी अंधेरों में डूबा और पता चला कि पार्लियामेंट भी अंधेरों में डूबी हुई है। वजूहात क्या थी हमें उसका नहीं पता, मगर पार्लियामेंट के अंदर ये जो अंधेरे हैं ये कोई अच्छी खबर नहीं है। जनाब चेयरमैन, जब से ये रजीम चेंज के बाद ये हुकूमत आई उसके बाद से वाकयात का एक तसलसल है, और अफसोस तो यह है कि बजाय बेहतरी के मजीद तनजली का शिकार होते जा रहे हैं। शहबाज गिल, आजम स्वाति, ये मेरे साथ सैफ न्याजी साहब बैठे हैं, इनके साथ क्या हुआ, और जिनको तकलीफ हो रही है उनके साथ क्या हो रहा है। प्लीज प्लीज तंगी साहब, नो क्रॉस टॉक, फिर बाद में हम टर्न पे बात करें। जी मैं आता हूं, इनकी तरफ भी आता हूं, इनकी भी तसल्ली कराते हैं सर। सेनेटर साहिबान, प्लीज नो क्रॉस टॉक, बात करें अपने टर्न पे। जी इनकी भी तसल्ली कराते हैं, फिक्र ना करें, इनकी भी तसल्ली कराते हैं, तसल्ली कराते हैं इनकी भी सर, इनकी भी तसल्ली कराते हैं सर। अभी प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज, थैंक यू, थैंक यू बैरामन तंगी, प्लीज। जी जनाबे चेयरमैन, जी प्लीज तशरीफ रखें, बैरामन साहब प्लीज, लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहा है, करने दें प्लीज। जी बैठें जी, तशरीफ रखें प्लीज। अबड़ो साहब, अब बोलने दें लीडर ऑफ द अपोजिशन को, अपोजिशन सर लीडर को बोलने दें प्लीज, तशरीफ रखें मैडम जी, प्लीज प्लीज। जी जी आप सर करें, आप क्वेश्चन आ रहे, प्लीज अपना टाइम जाया ना करें। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन सर, ये तकलीफ रफा करें ना इनकी, मैं तकलीफ। बैरामन तंगी साहब प्लीज, प्लीज अपना सरफराज साहब, अबड़ो साहब प्लीज तशरीफ रखें, तंगी साहब प्लीज तशरीफ रखें प्लीज, बैरामन तंगी साहब, उमर साहब, उमर नवाबजादा, उमर नवाबजादा, उमर प्लीज बिठाएं तंगी साहब को, प्लीज बैठें जी, तशरीफ रखें जी, जी तशरीफ रखें प्लीज, अब तशरीफ रखें, अपने साहब जज्बाती ना हो, तशरीफ रखें प्लीज, आप भी तशरीफ रखें प्लीज। जी प्लीज बैरामन तंगी साहब, प्लीज प्लीज ऐसा ना करें जी। जनाब चेयरमैन, तशरीफ रखें आप, सेनेटर साहब अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कर रहे हैं जी। जी जी प्लीज, जी प्लीज बैरामन साहब प्लीज, जी लीडर ऑफ द अपोजिशन अभी इनको तकरीर करने दे, पलवशा प्लीज हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। सर मैं कह रहा था, आप तशरीफ रखें प्लीज जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन दो मिनट दें प्लीज जी। सर मैं ये कह रहा था, ये बोल जनाब चेयरमैन, मैं गुजारिश है तंगी साहब प्लीज, मेरी गुजारिश सुन ले प्लीज, तशरीफ रखें, लीडर ऑफ द अपोजिशन जब खड़े हो आप एक दूसरे का एहतराम करें प्लीज, तशरीफ रखें आप, ठीक है जी, अब आइंदे नहीं होगा, आप बैठ जाएं, आपकी तकरीर में भी कोई बात नहीं करेगा, आप तशरीफ रखें जी। जी फैसल साहब प्लीज, फैसल प्लीज जी, जी लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज, क्वेश्चन आर प्लीज लेना है प्लीज, सेनेटर साहब तशरीफ रखें प्लीज, मेरी गुजारिश जी।
सर मैं ये कह रहा था, ये जो फस्तायत का बाजार गर्म है, अभी आपने देख लिया ना जो शोर मचा है, ये जो फस्तायत का बाजार गर्म है सर, और ये जो कोशिश है कि आजाद आवाजों को दबाया जाए, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि इमरान खान के साथ जो खड़े हैं वो एक सोच के साथ खड़े हैं, वो एक बड़े मकसद के साथ खड़े हैं, और किसी किस्म का जुल्म, जबर, इस्तबदाद इस सोच को खत्म नहीं कर सकता। जनाब चेयरमैन, हुआ क्या है? हुआ यह है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर एक तबसरा किया। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर उन्होंने एक तबसरा किया और किसी कानून को तो नहीं तोड़ा, मगर लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। और क्या दिल टूटा उनका, क्या दिल टूटा उनका कि ये जो इनका निगरान वजीर आला है, उसके होते हुए वहां पर जिस तरीके से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, मैं समझता हूं कि वो एक शर्मनाक बाब है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि एक, वो अपनी गैर जानिबदारी को कायम रखे, वो ऐसे काम से इज्तनाब करे कि जिससे जानिबदारी का तासुर उभरे, मगर अफसोस कि पै दर पे हम जब इलेक्शन कमीशन के फैसले देखते हैं तो जानिबदारी का तासुर मजीद मजबूत होता चला आ रहा है। और दूसरा काम इलेक्शन कमीशन का, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। हम ये भी देखते आ रहे हैं कि जब भी इलेक्शन कराने की बात आती है तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन बावजूद, ये हमें नहीं पता, वो हमें तैयार नजर नहीं आता, जबकि इस आईनी इदारे का मकसद ही यह है कि जब भी आईनी वक्त के तहत 60 दिन हो कि 90 दिन हो इलेक्शन कराना हो तो वो तैयार हो। यह बिल्कुल उसी तरह है जनाब चेयरमैन जैसे फौज एक अदारा है, फौज हर वक्त हालत अमन में भी तैयार रहती है कि अगर कोई हालत जंग आ जाए, वो उस वक्त यह नहीं होता कि वो कहें कि हमें अभी तैयारी के लिए वक्त चाहिए। बिल्कुल इसी तरह इलेक्शन कमीशन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त अपने टाइम पर इलेक्शन कराने के लिए जो भी आईन के अंदर है तैयार रहे। हमें ये दोनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही, हमें ये दोनों चीज़ें नज़र नहीं आई। जहाँ तक जानिबदारी का ताल्लुक है, अभी आप देख लें कि निगरान सेटअप का मकसद आईन जो है वो सिर्फ हरूफ नहीं है, एक चीज है लेटर एंड स्पिरिट, जो लिखा गया है और उसके पीछे स्पिरिट क्या है। तो ये जो निगरान वजीर आला का सारा अमल है, ये है, ये है कि ये चीज इसको यकीनी बनाया जाए कि गैर जानिबदारी हो, निगरान वजीर आला भी गैर जानिबदार हो, ताकि एक गैर जानिबदार सेटअप हो जिसके तहत एक ट्रांसपेरेंट मुनसफाना इलेक्शन हो सके। मगर हमने देखा कि हमारी तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद ऐसे शख्स का नाम इलेक्शन कमीशन ने चुना जो कि हर लाश एक मुतनाज़ा शख्सियत है। हमारा तो यह मानना है कि प्ली बार्गेन करने की वजह से वो तो किसी अवामी ओहदे के अहल ही नहीं है, सबको पता है कि वो किस किस के फ्रंटमैन रहे हैं, सबको पता है कि उनकी वजह शोहरत क्या है, और सबसे बढ़कर ये जानिबदारी की जब बात होती है, रजीम चेंज के किरदारों पर जब भी बात होगी तो उसमें हमें ये शख्स खड़ा नजर आएगा। ऐसे मुतनाज़ा शख्स को निगरान वजीर आला बनाने के बाद
आपने पहली ईंट रख दी है कि मुनसफाना इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आए। जनाब चेयरमैन, ये कसूर था फवाद चौधरी का कि उसने इस चीज को, इस चीज पर बात की। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे खदशात थे वो अगले 48 घंटे में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनको साबित करें। वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लाया गया है, ये वो तमाम लोग हैं जो कि 25 मई के जो वाकयात हैं उनके किरदार हैं। और उसके बाद फवाद चौधरी की आधी रात को उनको उनके घर से उठाया जाता है, सड़कों पर घुमाया जाता है, एक अदालत से दूसरी अदालत, एक शहर से दूसरे शहर। और हालत तो यह है कि हाई कोर्ट एक दफा नहीं, तीन दफा लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि उनको पेश किया जाए, और लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला है, जो हुक्म है, उसको भी हवा में उड़ा दिया जाता है। और शाम को हम देखते हैं कि हथकड़ियों में जकड़े फवाद चौधरी को यहां सेशन कोर्ट में पेश किया जाता है। आपने वो देखे होंगे क्लिप्स कि किस तरह से हथकड़ियों में जकड़कर, ऊपर चादर डालकर उनको घसीट कर अदालत में पेश किया गया, जैसे कि कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द हो। जनाब चेयरमैन, ये जो चादर थी ना, ये वो चादर है जिससे इन्होंने निजाम को ढांपा हुआ है, मगर ये निजाम की बदसूरती दिन ब दिन सामने आ रही है। सर क्वेश्चन और भी। जनाब चेयरमैन, निजाम की बदसूरती देखें कि उसी दिन खबर लगती है कि राव अनवार जैसे कैरेक्टर वी बनाते अदालतों से बाहर आते हैं, और फवाद चौधरी जैसे सियासी कारकुन उनके ऊपर चादरें डालकर, हथकड़ियों में जकड़कर वो अदालतों के अंदर जाते हमें नजर आते हैं। यह है निजाम की बदसूरती। जनाब चेयरमैन, ये मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। यह हुकूमत जितनी तनदही से, जितनी कोशिश से, जितना जोर लगा रही है सियासी मुखालफीन को दबाने के लिए, उनकी आवाजों को दबाने के लिए, उसका कुछ फीसद ही जोर और कोशिश ये अवाम के मसाइल के लिए हल कर देते तो शायद आज माशी सूरत हाल ये ना होती, आज ये ना होता कि पाकिस्तान के अवाम आटे के लिए दर बदर फिर रहे हैं, आज ये ना होता कि बिजली है नहीं और बिलों का कोई शुमार नहीं, आज ये ना होता कि गैस आती नहीं और रोज बिल आते हैं, आज अवाम इस कसम पुरसी की हालत में ना होते। जनाब चेयरमैन, मुझे एहसास है क्वेश्चन आर जी, बड़ी मेहरबानी। आखिरी बात करना चाहूंगा कि हमें अपनी तारीख से सबक सीखना चाहिए। इलेक्शन बहुत ही अहम मरहला होता है कौम की तारीख में। हमने 71 की तारीख भी देखी है, हमने 77 की तारीख भी देखी है, हमने ये देखा, तारीख का सबक है कि आप अगर जोर जबरदस्ती से अकलियत को मुसलत करेंगे अक्सरियत पर तो उसके नतायज अच्छे नहीं निकलते। हमने ये देखा कि अगर आप धांधली से इलेक्शन चुराएंगे तो फिर मुल्क जमहूरियत की पटरी से निकलकर कहीं और पहुंच जाता है। जनाब चेयरमैन, हमें इस तारीख से सबक सीखना है, और रास्ता सिर्फ एक ही है सर, रास्ता सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का है। क्यों? देखें, इस वक्त एक लावा पक रहा है अवाम में उनकी महरूमियों का, और इनको क्यों इमरान खान खटक रहा है कि ये जो 1% का इलीट कैप्चर है उसने इनको चैलेंज किया है। ये इलीट कैप्चर चाहता है कि वही वारदात इस मुल्क में दोबारा होती रहे। जी, इलेक्शन में इलेक्शन चुराओ, इक्तदार में आओ, अपने बंदे बिठाओ और एक दूसरे की जेबें भरो। यह है इनकी सियासत और यह है इनकी जमहूरियत, जिसको ये बेहतरीन इंतकाम कहते हैं। ये वाकई इंतकाम है पाकिस्तान के अवाम से। इमरान खान बात कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान के अवाम है
इनको एम्पावर किया जाए जो जमहूरियत की असल रूह है, इनको उठाया जाए। आप देख लें ये जो मैंने नक्शा खींचा है, ये अभी केयरटेकर में आपको नजर आ रहा है। देखें अभी पंजाब में तो अभी लगेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देख लिया आपने, केपी में भी अभी देख लें कि जिस तरीके से जो मयार और काबिलियत वहां पर तय हो रही है और जो हम चेहरे देख रहे हैं वो खुद बहुत सारे सवालात का जवाब देते हैं। आखिर में मैं ये कहूंगा, इमरान खान ने इस निजाम को चैलेंज किया है पाकिस्तान के अवाम के लिए, और पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान के साथी उनके साथ खड़े हैं। ये जो गला सड़ा निजाम है जो सिर्फ और सिर्फ इलीट के लिए बना है, उसको उखाड़ने के लिए और पाकिस्तान के अवाम को एम्पावर करने के लिए, पाकिस्तान के अवाम का जो इलेक्शन का हक है उनको दिलाने के लिए और उनको इक्तदार की मसल पर बिठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2022 मॉडल को भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद पे निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।